देसी दैत्य के बात किया था। बहुत सुंदर कथा ये पर है कि गुरुदेव वर्णन करते थे एक समय कृष्ण ये पर गोचारण कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण के यह समस्त जो है लीला भूमि लीला ललाम भूमि है, बहुत सुंदर ये समस्त लीला स्थल है। कृष्ण दिन के समय ये पर गोचारण आदि करते थे और सखाओं के साथ खेल कूद करते थे, और रात्रि काल में यह पर कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो प्रेम विहार आदि करते थे। यह कितने सुंदर मनोरम स्थान है। साथ में वर्णन है कृष्ण लीला के समय अर्थात कृष्ण प्रकट लीला के समय ये जमुना के दोनों तट जो है इतने सुंदर सुरम्य प्रदेश था, अनेक प्रकार घन वृक्ष के द्वारा सुसज्जित था। साक्षात जोगमय इस स्थानों के इतने सुसज्जित करके रखा था, आज तक भी निदर्शन है। एक एक तमाल वृक्ष और एक एक कदम वृक्ष, अभी देखिए कदम वृक्ष विराजमान है और ना जाने कितने सब के समस्त रहे, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया ये तमाल वृक्ष कृष्ण के स्वरूप माना जाता है और कदम्ब के जो है राधा जी के स्वरूप माना जाता है। इसलिए जुगल जुड़ी सरकार की ये पर इस समय कृष्ण सखाओं के साथ सुबल सुदाम के साथ हास परिहास कर रहे थे। सुदाम कहने लगे, कन्हैया तुम्हें गोपियां इतने क्यों आदर करते, प्रेम प्यार क्यों करते। मधुमंगल कहने लगे ये गोपियां तुमके इतने क्यों खिलाते पिलाते क्यों, इसके कारण कोई नहीं, तुम्हारे तो कोई गुण ही नहीं है। अरे गुणी व्यक्ति के सब आदर करते हैं, और तुम्हारे गुण क्या है, तुम्हारे कोई गुण नहीं है, केवल तुम्हारी ये है ये तुम्हारे मयूर पंखा और वंशी और पीताम्बर, इसकी इसलिए ही तुम्हें गोपियां सब तुम्हें खिलाते पिलाते बहुत प्रकार के पकौड़ा पकवान आदि बना करके लाते तुम्हें खिलाते, तुम भर पेट खाते रहते। कृष्ण बोले अच्छे ठीक है ये काम करो, मेरे जो है ये मयूर पंखा और पीताम्बर और बांसुरी आप ले लीजिए। बोले हाँ इसको दे, मुझे दे दो, वो समस्त गोपियां मुझे ही खिलाएगी, तुम्हें खिला देगा, मैंने तुम्हें पूछ रही। अच्छा कृष्ण ने कह कि अपने मयूर पंखा और बांसुरी और पीताम्बर मधुमंगल को दे दिया। मधुमंगल बहुत प्रसन्न हुए, और ठीक उसी दिन जोगमाया की लीला तो उसी प्रकार है। सर्वांतर्यामी भगवान कृष्ण आज एक लीला कर रहे हैं, और इधर मथुरा में कंस अनेकों असुरों को भेजा, किंतु आज तक भी कोई वृंदावन से लौट करके नहीं गए। जो वृंदावन में आ गए सब यही पर उनकी समाप्ति हो गया। बोला वृंदावन बिहारी लाल की, बोले वृंदावन आकर के कोई वापिस जाते, कोई नहीं वापिस जाएगा, हम लोग तो वापिस चले जाते हैं। क्यों, हम लोग के पास टू वे टिकट है। इसलिए प्रभुपाद भी इसी संदर्भ में कहते हैं, यदि वास्तव रूप में वृंदावन में केसी घाट के सन्निकट में गोविंद देव के दर्शन करना है तो क्या करो, वन वे टिकट खरीद करके ले आओ। जब तक वन वे टिकट नहीं हो तब तक हम वापिस चले जाएंगे। इसके वन वे टिकट क्या है, संसार के समस्त प्रकार करके आना ही पड़ेगा। चल आगे की कथा वर्णन करते हैं। तो उस समय कंस ने अपने परिकरों के द्वारा रात भर विचार करने लगे, जितने असुर हम भेजा पुतना से लेकर के जितने असुर तिनावर्त सकटासुर जितने असुर आए कोई भी बात लौट करके नहीं, तो क्या विचार किया जाए, कैसे कृष्ण को कैसे मारा जाए। तो विचार करते करते उसी सभा में आधी रात में कंस के एक अनुचर था, वो केसी दैत्य था। केसी वो घोड़े के रूप धारण करते थे। केसी दैत्य बोले महाराज कंस, मैं रहते रहते आपकी इतना चिंता क्यों है, मैं जाता हूँ और कन्हैया के जो है कृष्ण के मार करके आता हूँ, किंतु मुझे पता नहीं है वो कृष्ण कैसे है, इस मुझे वर्णन कर। तो वह कंस बोलो देखो वो श्यामल श्यामल वर्ण है और उनके मोर में मोर पंखा उसके सिर पर है।
है, हाथ में बांसुरी है और पीताम्बर धारण की, ऐ वही कृष्ण है। बोले कैसी दैत्य, बोले अच्छा मैं चलता हूँ, देखो कैसी दैत्य घोड़े के रूप धारण करके ये पार है, हा हा ही करते आ गया। और देखा सद्भुत, उसी समय कृष्ण और मधुमंगा और सुवर्ण सुदाम आदि जितने सखा लोग बैठे हुए थे और वन भोजन के लिए बैठे हुए थे, और ठीक उसी समय कैसी दैत्य विशाल रूप धारण करके हिमालय के भांति विशाल उनके शरीर है, बोले कैसी दैत्य जब चलने लगे उनके हवा से ना जाने कितने धूल भी उड़ने लगे और कितने सखा तो बस लुढ़कते लुढ़कते कहां गिर गए। और कैसी दैत्य देखा ये पर कृष्ण कौन है, वही पीताम्बर धारी है और बंसी बास बंसी लेकर के हाथ में बंसी रखे है और मोर पंख है। तो कृष्ण कैसी दैत्य ने क्या की बस हिन सब करते करते मधुमंगल के तरफ चले। बोले मधुमंगल के तरफ चले मधुमंगल केवल और कैसी दैत्य के शरीर से जो हवा जो है उससे ही लुढ़क लुढ़क करके बात गिरने लगे। कहने लगे कन्हैया कन्हैया मुझे बचाओ, ले ले तो यह बंसी और मयूर पंख पीताम्बर मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे जब रोने लगे तब कृष्ण ने क्या की आकर के फिर कैसी कैसी दैत्य के एक टांग पकड़ लिया और टांग पकड़ करके उसके चरखी के भांति बन के घुमाने लगे और घुमाते घुमाते यह पर जो बड़े बड़े पेड़ था उसके ऊपर गिराया। किंतु कैसी दैत्य बहुत बलवान था, वो भी कोई साधारण नहीं है, वो कैसी दैत्य पुनः जो है आकर के फिर कृष्ण के आक्रमण करने लगे। इसी प्रकार दो चार बार कैसी दैत्य जब कृष्ण के आक्रमण करने लगे और हीन हीन कर्त करते हुए आगे कृष्ण विचार कर रहे इसके अंत समय आ गया। जब जिसके घड़ा में जब पाप की पाप भर जाता है वो घड़ा अपने आप फूट जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण विचार करने लगे जिसके मृत्यु के समय आ गया। कृष्ण ने कहा कि इस कौसी कैसी दैत्य के निकट में आ गया और कैसी दैत्य मुंह फाड़ करके हीन हीन कर्त करते सोचने लगे कृष्ण को मैं चबा करके मार दूं। देखो स्वयं भगवान की कोई मार सकते हैं। कृष्ण ने किया कि एक हाथ से कैसी दैत्य को कान को पकड़ लिया और दूसरी हाथ जो है उसके मुंह के मुखारा गहर में घुसाया और कृष्ण के हाथ मानो तपे हुए लोहे के भांति लाल लाल हो गए। और कृष्ण ने किया कि उसके मुंह के जब घुसाया और कैसी दैत्य छटपटाते हुए बस मुंह के फाड़ करके ये पर शरीर को त्याग दिया। इसलिए इसी प्रकार कृष्ण ने इस स्थान को इस स्थान में कैसी दैत्य के बात किया, इसलिए नाम हो गया क्या कैसी घाट। और रस विचार में जो माधुर्य रस के जो होते हैं यह पर कृष्ण श्रीमती राधिका के केश मुद्रादि केश बंधन किया था, इस कथा आप लोग ने श्रवण किया वृंदावन परिक्रमा करते करते हम लोग क्या बट सिंगार बट में हम लोग दर्शन किया कैसे कृष्ण और श्रीमती राधे जी के जो है सिंगार किया और केश के बदना केश साधारण इस केश को जैसे सुसज्जित किया, इसलिए नाम ही इसके है कैसी घाट। यह परिचित हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में इसी लीलाओं को जय सुंदर रूप में वर्णन किया। यदि किसी के मन में इच्छा हो वृंदावन जाने के लिए जिसके बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, वास्तविक स्थान की कीर्तन है जो किसी के यदि संसार में अपने सुख अपने माता पिता स्त्री पुत्र परिवार के सुख ग्रहण करना है अन्न उत्सव बनाना है तो कहते हैं मैं कहते हूँ देखो मथुरा मत जाओ, यदि मथुरा गए तो आगे मत बढ़ो वृंदावन मत जाओ और वृंदावन गए तो आगे मत जाओ जमुना के तट पर, जब यमुना के तट पर आगे मत जाओ कहा कैसी घाट है। बोले कैसी घाट के निकट जहाँ पर कृष्ण कैसी दैत्य के बात किया था और उसके निकट में गोविंद देव के सुंदर मंदिर है। कहते नहीं नहीं गोविंद देव के तो मुझे दर्शन करना है। कहते गोविंद देव के दर्शन करने के जाओ मंदिर में जाओ आगे मत बढ़ो। यदि कहा नहीं नहीं भगवान कृष्ण के दर्शन करना है। बोले हमारे आचार्य बात कहते देखी ले नैन हेरे क्यों नहीं गृह फिरे गृह संसार जगो हाय सर्वनाश। यदि अपने सर्वनाश चाहते हो तो गोविंद देव के दर्शन करो।
भले गोविंद के दर्शन से क्या हो जाता है, देखिले नयन हेरे क्यों नहीं घरे प्रिय गृह संसार जी को भाई सर्वनाश है, सर्वनाश हो तात्पर्य क्या है, हमारे सारे संसार वासना दूर हो जाए। वास्तव गोविंद की, गोविंद की इतने सुंदर मूर्ति किवा चिड़ा सिरे किवा चुड़ा सिरे किवा वंशी करे किवा से त्रिभंग ठाम, कैसे सुंदर गोविंद के त्रिभंग ललित स्वरूप उसके दर्शन करने की यह बात शास्त्र में कह रहे हैं। इस चरण को हम प्रणाम करते हैं और इस लीला को प्रणाम करते हैं। पंचाग्र कृपा सिंधु पतितानं पावने हरे कृष्ण। गुरु वैष्णव गणेर अनुगत्य आमरा जे